हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Redmi A2 को हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों दो तरह के रीसेट होते हैं, एक होता है फैक्ट्री रीसेट, एक होता है हार्ड रीसेट। फैक्ट्री रीसेट होता है जो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर उसको रीसेट कर सकते हो। जो हार्ड रीसेट होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसको करने के लिए आपको ये बटन की ज़रूरत पड़ती है, ये जो बार वॉल्यूम और पावर की दिए हुए हैं। इनकी मदद से आप अपने फ़ोन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक, कोई भी लॉक जो हो, स्क्रीन लॉक वगैरह, सारे लोग यहाँ से जो है वो खोल सकते हो यहाँ से इसको रीसेट करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे रीसेट किया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो वॉल्यूम की और पावर की दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम आपको पहले प्रेस करना है, साथ ही आपको पावर को प्रेस कर देना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जैसे ही वाइब्रेशन करके लोगो आएगा तो आपको पावर को साथ ही छोड़ देना है। वॉल्यूम आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये नो कमांड मोड नहीं आ जाता। तो अभी आपने पावर को प्रेस करके रखना है, वॉल्यूम आपको दबाना है। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है जहाँ डाटा फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है, वाइब डाटा फैक्ट्री रीसेट, और यहाँ पर आपने पावर के साथ इसको ओके कर देना है। ऊपर कैंसिल है, नीचे लिखा हुआ है डाटा रीसेट, यहाँ पर आपने पावर के साथ ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक बार पावर की को प्रेस करना है और आपका जो फ़ोन है वो ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो फ़ोन है कम से कम 5 मिनट जो है ऑन होने में लेगा, घबराना नहीं है, आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल सही तरीके से ऑन हो जाएगा। ठीक है।